सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन आवर न्यू व्लॉग। तो अभी यार सुबह के 6 बज रहे हैं एंड अभी नैतिक को जाना है, इसका ट्रेन है। तो अभी मैं यार जा रहा हूँ सुबह 6 बजे स्टेशन छोड़ने के लिए, पापा और नैतिक दोनों जा रहे हैं। तो यार ये देखो अभी मौसम, सुबह 6 बजे धूप तो नहीं निकली हुई है, तो अभी जाना है नैतिक। चलो, आज तक ही नैतिक का सफर था, 15 दिन लगभग हो गए इसको आए हुए, अब आज जाना है इसको। 5 को आया था ना, 4 को आया था। तो अभी मैं भी जाऊंगा स्टेशन छोड़कर, मैं बाइक लेकर वापस आ जाऊंगा। 6 साढ़े 6 में शायद ट्रेन है, तो अभी 6 बज चुके हैं। अभी यार यहाँ पर धीरे धीरे बारिश भी हो रही है, ज्यादा तेज तो नहीं है, बहुत धीरे है, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। तो देखते हैं कहीं तेज ना हो जाए आते आते, मैं तो नहीं तो गीला ही हो जाऊंगा। ये रहा नैतिक का बैग। तो यार फाइनली मैं अभी घर पहुंच चुका हूँ। बीच में यार बारिश थोड़ी बहुत तेज हो गई थी, जिसके कारण कि फटाफट से मैं उधर बाइक चलाया एंड यहाँ आते ही पोपट हो गया। यहाँ पे देखो बारिश ही नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं, एंड बीच में यार लिटरली बहुत तेज हो गई थी बारिश, तो मैं थोड़ा बहुत गीला भी हो गया। बाकी आते आते तो फिर मैं सूख गया हवा के कारण। और क्या, वहाँ बीच में इतना तेज बारिश हो गया था, यहाँ पे आया बिल्कुल भी बारिश ही नहीं। तो यार सुबह जैसे ही मैं बाहर से आया यहाँ पर, मैं आकर वीडियो अपलोड किया यहाँ पर पीसी ऑन करके। अभी भी यार पीसी ऑन ही है, वहाँ पर देखो आपको रेड लाइट दिख रही होगी, अभी भी पीसी ऑन ही है। तो यार मैं आकर यहाँ पर वीडियो अपलोड किया, उसके बाद जैसे ही मैं आगे गया मुझे यार नींद आ गई। 1 घंटा लगभग मैं रात में सोया था, 4 बजे सोया, 5 साढ़े 5 में फिर से उठ गया था। फिर आगे जैसे ही मैं गया बेड पे नींद आ गई थी, तो अभी 12 बजे मैं उठा, ब्रश व्रश किया, अब मैं खाना खाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, देन फिर मैं नहाने चले जाऊंगा। तो अभी यार यहाँ पर मेरा खाना चुका है, ये देखो रोटी सब्जी एंड ये सलाद है। तो अभी मैं भी खाना खा लेता हूँ। काजल गोलू सब लोग खा लिए, माँ खाए नहीं, माँ ने भी नहीं खाई, माँ भी नहीं खा ली, नहीं, नहीं माँ भी नहीं खाई है। तो मैं और माँ बस 2 खाने के लिए बचे, मैं भी खा लेता हूँ, काजल और गोलू तो खा चुके हैं। तो अभी यार शाम के 6 बजने वाले हैं, 5:45 हो रहे हैं, देख सकते हो आप लोग टाइम। अभी यार मैं नहाकर आया हूँ, क्योंकि दिन में यार मैं वीडियो बनाने चला गया था, तो अभी यार मैं आते से ही नहा लिया। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी आज, यार थोड़ी बहुत धूप भी निकली हुई है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो बाहर साइड, डेली यार धूप नहीं निकलती, आज धूप निकली तो थोड़ी बहुत गर्मी हुई है, ज्यादा नहीं यार, मतलब थोड़ी बहुत लेकिन गर्मी लगी। तो मैं यार फटाफट से आते से नहा लिया एंड अभी यार खिचड़ी बन रही है खाने के लिए, तो खाते हैं। एंड बाहर जाना है मार्केट यार, राखी भी लेकर आनी है, रक्षाबंधन है कल, तो उसके लिए राखी भी खरीदने के लिए जाना है। तो चलो यार चलते हैं, अभी खाना खाते हैं एंड उसके बाद चलते हैं मार्केट। तो ये रहा खिचड़ी और ये चोखा, यहाँ पर खाना आ गया है और यहाँ पर ये गोलू भी खाने में लगा हुआ है। तो वो अजीब सा कर रहा है, पापा गए हैं तो क्यों ऐसे, वो खाना देखता था तो उछलने लगता था, ना कुछ कर रहा है ना खा भी नहीं रहा है। केटू खाना खा लो। तो अभी यार शाम के 6 बज चुके हैं और अभी मैं और काजल हम दोनों जा रहे हैं मार्केट, दुकान पे जा रहे हैं राखी लेने के लिए। एक राखी तो ये लेकर आ गई है, दो राखी मेरे और गोलू के लिए, लेकिन बाकी और कौन सा चाहिए वो नहीं आता है। माँ से कुछ मांगने बोला था, माँ कौन सा राखी चाहिए, वो पोंपों वाली पॉम पॉम एक रहता है, उस पर गोल वो भगवान भगवान को चढ़ाते हैं, और भी जैसे अपना तेरे पीछे उसमें साइकिल पे, हाँ साइकिल बांधा जाता है। तो अभी यार हम लोग यही एक पास में एक शॉप है, वहीं पे आए हुए हैं। यहाँ पर काजल को राखी एंड चूड़ी दोनों खरीदना है, माँ की चूड़ी भी है एंड राखी भी है। तो यहाँ पर काजल अभी खरीदेगी एंड उसके बाद वापस घर चलते हैं। ऐसी रोड में तो मतलब बाइक चलाना भी मुश्किल है, यहाँ पे कितना सारा कचरा फैला दिया यार, मतलब डस्टबिन में नहीं डालते आके वहीं पे, और गाय भी खा रही है वही कचरा। किट्टू चलो आ जाओ बाइक पे। तो फाइनली अभी हम लोग घर आ चुके हैं। ये रहा राखी, ये रहा राखी, कौन सा ये राखी, पॉम पॉम, माँ ये रहा, ये देखो यहाँ पर काजल काजल लगा रही है, काजल को भी काजल की जरूरत पड़ती है, टेस्ट कर रही है, पहली बार देख रहा हूँ कि काजल को भी काजल की जरूरत पड़ती है। अभी जो है यहाँ पे रात के 10:10 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है भैया उधर से वीडियो बना के आया और सो गया, यहाँ पे जो है माँ भी सोई हुई है और यहाँ पे अपना किट्टू भी सोया हुआ है, घर में भी नहीं सोया, बाहर आके सोया हुआ है। भैया भैया उठ खाना खा ले, आया और सो गया, उठ। और शायद से माँ ने भी खाना नहीं खाया, पूछ ले रही है एक बार पहले। माँ माँ तो लगता है कच्ची नींद में ही सोई रहती है, एकदम थोड़ा टच करती है और उठ जाती है। अभी जो है यहाँ पे खाना निकाल लिया, खिचड़ी चोखा जो उस टाइम माँ ने बनाया था, माँ का अभी मन नहीं किया तो नहीं बनाया, और वैसे भी भैया को खिचड़ी चोखा ज्यादा अच्छा लगता है, तो माँ ने उसी टाइम ज्यादा बना दिया था। नहीं बनाया
वो तो अभी उठा, मैं जब तक खाना निकाल रही उठा और उधर चला गया वीडियो अपलोड करने। तो अभी यार मैं वीडियो बनाकर आया था एंड यहाँ पर जैसे ही मैं आया मुझे यार काफी तेज नींद आ गई, यहीं बेड पर मैं सो गया था। फिर अभी काजल उठाई है, सब लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पर और मेरा भी यहाँ पर खाना गया। ये रहा शाम में जो बना था वही है खिचड़ी चोखा, तो वही मैं अभी खा रहा हूँ। तो अभी यार खाना हो चुका है और अभी यहाँ पर माँ इडली बनाने के लिए कल यहाँ पर कुछ वो डालने जा रही है। क्या जानता है अभी मैं सो गई थी लाइट वाइट बुझा के, बस मस्त मोबाइल बस देख रही थी मोबाइल में यूट्यूब, नजर के सामने एकदम से इडली आया, याद है अरे इडली का डालना था मुझे मोबाइल चलाने का प्रॉब्लम। हाँ मोबाइल चलाने का फायदा आ गया स्क्रीन के सामने की हाँ इडली बना रहा था मोबाइल ने, कल इडली खिलो मोबाइल मतलब कल इडली खिलवा देगा। नहीं तो ऐसा तो ऐसा नहीं डालता तो कल नहीं बनता, तो माँ ये डालती ही नहीं तो फूलता ही नहीं तो बनता कैसे। यहाँ पर ये चावल अभी चावल खिलाया जाता है ना, चावल और दाल। ये देखो कल आज चूड़ी खरीद कर लाई, कल पहनना है वो आज ही पहनने में लगी है। शाम से 2-3 बार हो गया। कोई भी न्यू चीज लेकर आती है ना तो बस उसको दिन भर में 100 बार पहनती है। न्यू ड्रेस लेकर आएगी तो दिन भर में देखेगी पहनकर कैसा लग रहा है, ड्रेस अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। न्यू कुछ भी यही लेकर आई, अब दिन भर में 100 बार पहनकर चेक करेंगे। जब भी पूछो तो टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बार में टेस्ट होता है। वही तो शाम को कौन ही वाह। कल के लिए गिफ्ट रेडी रखना, कल रक्षाबंधन मेरे को बोल रहा है गिफ्ट के लिए, तो और क्या कल रक्षाबंधन है ना, तो गिफ्ट तो गिफ्ट रेडी रखना ना। नहीं तो गिफ्ट तू देगा। गिफ्ट कहाँ मैं दूंगा, गिफ्ट तो ये देगी ना, भाई देते हैं। ऐसा थोड़े ना है, बहन भी देती है। अच्छा, कुछ नहीं मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, खरीद कर क्या, मेरा जेब खाली है ये देखो, कुछ नहीं पड़ा है जेब में, खुद भी तो भिखारी है। बोल रहा हूँ मुझे देना तो नहीं, भाई देते हैं, दिमाग देखो। भाई देते ना रक्षाबंधन। हाँ तो भाई दूज पे देना, भाई दूज पे देना। भाई दूज क्या होता है? हाँ अब देखो भाई दूज क्या होता है, दिमाग। मैं भी राखी बंधवा लूंगा, उसके बाद गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट भी कोई प्राणी का नेम है। गिफ्ट भी कोई चीज होता है इस दुनिया में। हाँ क्या होता है, राखी बांधी जाती है भाई दूज पे, भाई दूज पे गिफ्ट दिया जाता है। जितने जितना दिमाग में आया उतना बक दिया, बस बस टाटा बाय बाय खत्म। तो भी यार यहाँ पर सभी लोग सोने की प्लानिंग कर रहे हैं, अब मैं भी चलता हूँ यार सोने के लिए। उस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, आई होप आपको मजा आएगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के और भी व्लॉग देखने के लिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। लोग भी बोलेंगे भाई काजल को काजल की भी जरूरत पड़ती है।